तुम सुबह सुबह मेरे बजाय अगर अल्लाह को याद कर लिया करो तो तुम्हारे सारे मसले भी ठीक हो जाए और मेरा दिमाग भी ठीक रहेगा। सुबह सुबह टेंशन देना शुरू कर देती हो। दूसरों को नसीहत, खुद मुल्ला फसीहत। अरे खुद भी तो यही किया करो ना यार। मिशेल ये छोटे छोटे काम खुद डील कर लिया करो, क्यों मेरी एनर्जी वेस्ट करो। ये दम किया हुआ रखा है ना, ये पियो, छोड़ो। यार मैं क्रिएटिव हेड हूँ, कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के पियो, ठीक है? उठते ही कान से फोन लगा लो, तुम ना ढंग से कुछ खाते हो ना पीते हो। एक सेकंड होल्ड रखना। नहीं नहीं मिशेल, देखो ये सारी फालतू बातें छोड़ो, पिंपल्स कमर्शियल के बारे में बताओ, उसको लाइन अप करना है फौरन। हाँ ओके, तो तुमने और सलमान ने क्या फाइनल किया? नहीं नहीं, नाश्ता लगा दिया है, बैठ के कर लो आराम से। यार नहीं, इस तरह नहीं होगा। चलो मैं खुद आकर इसको देखता हूँ। ओके तुम सलमान को बस बुलाओ। कहाँ हो? बुलाओ तो सही ना यार। देखो सारी एनर्जी इसके ऊपर डालो, इसकी डेडलाइन सर पर आ गई। मशर ये बातें बाद में कर लेना, उसे सुकून से नाश्ता कर लेने दो, ठीक है? मैं बंद कर रही हूँ, चलो बैठो। थोड़ा सा तो और खा लो। अमर रात को बहुत देर से बहुत खाना खाया था। अच्छा मैंने खीर बना कर रखी थी तुम्हारे लिए। नहीं अम्मा प्लीज। भागने के बहाने बना रहे हो। अम्मा देखिए ये आपका लंच बॉक्स है ना, ऑफिस जाते इस पे बैठ जाऊंगा, प्रॉमिस। थोड़ी सी तो खा लो। नहीं अम्मा बस प्लीज। माँ को टरखा रहे हो। माँ हूँ मैं तुम्हारी, मॉडल नहीं हूँ। अम्मा आप मॉडल नहीं, मॉडल है। इतने लंबे नाखून। अच्छा मां, अच्छा खुदा हाफिज। ध्यान नहीं है खुद पे। अब रात को वापस आओगे ना, पांव के नाखून भी काटूंगी। फिर आप खुद पे कितना ध्यान देते हो? कितनी हसीन खूबसूरत औरत ढलती जा रही है दिन-ब-दिन। तुमसे ध्यान हटे तो ध्यान दूं ना। फिर कोई मुलाजिम नहीं आया जो आपका हाथ बांटे? काम से नहीं थकती मैं, तुम्हारे पीछे भाग भाग के थकती हूँ। मैंने मना थोड़ी किया, ले आओ ना कोई। एक चाय की प्याली पे 100-100 नखरे और दुल्हन यूं ही उठा कर ले आओ। आप अपनी बहू ले आए, मैं बाद में अपने लिए बीवी ले आऊंगा। दो दो शादियां करोगे? अच्छा बच्चों आज ही देखती हूँ कोई लड़की। यार क्या हो गया तुम लोगों? तुम लोगों ने निकाह पढ़ लिया इन 4-5 लड़कियों के साथ? लोग इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। यार अगर यही मॉडल्स प्रोडक्ट्स बेचती नहीं ना तो प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो जाएंगे। घी, साबुन, सर्फ, मोटरसाइकिल, साइकिल, रेजर ब्लेड, सब तक तो यही बेच रही है यार। मेरा जो प्रोडक्ट है मैं उसको मुख्तलिफ प्लेस करना चाह रहा हूँ। व्हाट अबाउट हर? Overexposed. She is still exclusive. या सलमान, इसको हमारे प्रोडक्ट ने एक्सक्लूसिव बनाया। मुझे एक ऐसी मॉडल चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट को एक्सक्लूसिव बनाए। I'm not getting your point. देखो सलमान, हम जो फेस वॉश इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो टीनेजर्स के प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं जिनके पिंपल्स हैं।
टीनेज मींस अ न्यू फेस. एग्जैक्टली. इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए न्यू फेस रिस्की होगा. यार हाउ कैन यू से दैट? बल्कि एक फ्रेश फेस है जो कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है. एक ऐसा फेस जिससे टीनेज रिलेट कर सके, बल्कि रिलेट करना चाहे. गो फाइंड मी दैट फ्रेश फेस. इट विल टेक एट लीस्ट 15-20 डेज टाइम. टेक 30 डेज, बट फाइंड मी दैट एक्सक्लूसिव फिक्स. थैंक्स यार. यार एक कप कॉफी तो पिला दो. माय नेम इज मिशेल ज़ेन. लेकिन तुम कॉफी बीन की तरह कड़वी हो. आई हेट यू बट आई लव यू कॉफी बीन. आई लव यू. अब कहां जा रहे हो मुझसे कॉफी बनवा के? सॉरी कॉफी बीन. ऐसा करो ये कॉफी तुम मेरी तरह से पी लो. मैं जरा एक डेट पे जा रहा हूं. ज़ेन इसी दिन ये कॉफी मैं तुम्हारे सर पे उंडेल दूंगी. रोज मुझसे बनवाते हो और फिर छोड़ के चले जाते हो. इतनी कड़वी कैसे पीता है ये? आंटी कैसी हैं आप? तुम कैसी हो बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. आंटी मैं मोटी हो रही हूँ सिर्फ ज़ेन की वजह से. अरे भाई क्यों? ज़ेन की वजह से क्यों? आप जो रोज अपने बेटे के लिए लंच भिजवाती हैं वो मुझे खिला देता. अभी भी उसके लिए कॉफी बनाई थी वो मैं ही पी रही हूँ. और देखो कितना झूठा है, घर आकर मेरे खाने की तारीफें करता है. आप उसकी शादी कर दें आंटी, सीधा हो जाएगा. मेरी तो सुनेगा नहीं, तुम करवा दो. हाय अगर वो मेरी सुनता तो मैं ना कर लेती उससे शादी. क्या तुम तो मुझे ये बेजायका कॉफी पिलाई जा रहा है? और यार कुछ खाना खिला दे यार. इसकी वजह से मैं 600 चक्कर लगा के आ चुका हूँ वॉशरूम के, और अब एक तो वो और जाना पड़ेगा मुझे वॉशरूम. किस कोने में? I want you here now. तुम्हारे एक नंबर के चक्कर में मैंने सारा बैग उंडेल दिया अपना. क्या मंगवाया? हाँ कुछ मंगवाना था. यार तू कब समझेगा यार, ये तेरी भूलने की. हर एक चीज तो हजम कर लेते. हाँ यार कोई रोटी शोटी या तो वो बताओ ना यार. सॉरी सॉरी ओनली स्नैक्स अवेलेबल होगा. क्या मतलब? पिज्जा बर्गर सैंडविच वगैरह. यार इस तरह करें कि दो बर्गर ले
और दो ये लें यार, ये देखे, ये ठीक है, ये लें यार। यार वो याद आया मुझे, वो यार हमारे मोहल्ले में नहीं होता था वो फीका बर्गर वाला यार, यार मर गया बेचारा। वो यार जिसकी दुकान होती थी वहां पे, अब उसका बेटा लगाता है बर्गर, लेकिन यार जायका नहीं रहा उसमें। तुझे याद है एक दफा इश्तिहार वाली लड़कियों से तेरा दिल नहीं भरता? क्यों तू इतना की लड़कियों को ताड़ा? She's perfect. तुझे एक बात बताऊं, तो बिल्कुल ना पप्पू दर्दी वाले की तरह रिएक्ट कर रहा है। यार मैं इजिप्ट जा रही हूँ, वरना तेरे साथ मैं नेशा निकल जाती। अगली फ्लाइट कब होगी तेरी? अगली फ्लाइट आई गेस। एक्सक्यूज मी। नो नो थैंक यू, हमें कोई डील वील नहीं चाहिए। नहीं आप गलत समझिए, आई एम ज़ैन, ज़ैन रहमान। I'm a creative head of this. Zain Rahman. So aap hai Zain Rahman. Such a big surprise. Aap kya bhejte hain? Main soap, shampoo, body wash, face wash, etc. etc. Great. To kidhar hai aapka bag? Dikhaye. Kya kya hai usme? Nahi aap galat samjhiye, I'm a creative head, I'm not a sales officer. मैं creative head हूँ इस cosmetic company के साथ। Oh, it's a multinational company. तो हमारा एक product है, उसके commercial के लिए I'd like you to be the model. Model? जी आप कर सकती हैं। There's good money involved, time भी ज़्यादा नहीं लगेगा। And your face, it's perfect. देखिए हमारे प्रोडक्ट्स की एक कमर्शियल से लोग स्टार्स बन जाते हैं। Really? जी। If it's okay with you, अगर हम अभी कंफर्म कर लेते हैं और कल आके आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए। Wow, that's amazing. Thank you, Mr. Zain Rahman. It's a pleasure. I'm not interested. पागल हो गई हो तुम नताशा, इतनी अच्छी ऑफर ठुकरा रही हो यार। तो तुम कर लो। सॉरी मिस्टर ज़ैन रहमान, अगर आपने ये ऑफर मुझे की होती ना, तो ट्रस्ट मी, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचती। आप आराम से सोच लो। तुम्हारी भी समझ नहीं आती यार, इतनी जबरदस्त ऑफर थी, कसम से मैं एक मिनट ना लगाती यस बोल देती। काम बना? नहीं यार, पता नहीं क्या समझती अपने आप को। As pretty a maid as ever entered a nunnery. The old priest lifted her skirts high above her Venus man. So. ये हो क्या रहा है? अच्छा, डॉक्टर गुलबख्त तशरीफ ले आई हैं। ये क्या हो रहा है? ये कपड़े हैं स्वीट हार्ट, क्या तुमको गुर्दे फेफड़े और अंतरियां नजर आ रही हैं? क्योंकि तुम तो सारा दिन लोगों का चीर फाड़ करती रहती हो। हाय, ऐसे मत देखो रोजी मेरी जान, मेरी दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं इन कपड़ों के चीथड़े कर दूंगी, उठाओ इन्हें। ये हो क्या रहा है यहाँ? इनका ढेर लगाकर आग लगा रहे हैं। पैकिंग कर रहे हैं यार।
तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो यहाँ से क्या? इतने अच्छे नहीं है हम कि तुम्हारी जान इतनी आसानी से छोड़ दे। ऐसे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी मेड कहाँ से ढूंढेंगे हम, जो सफाई भी करती है और इलाज भी। वैसे तुम्हें अच्छी खासी ब्रेक मिलने वाली है, मलेशिया जा रही हूँ और वहां से काफी कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं, और खातून मिस्र जा रही है। मिस्र क्या करने जा रही हो? तुम्हारे लिए फिरौन लाने जा रही हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारी जोड़ी उसके साथ बनती है। मुझे तो लगता है कि वो भी गुजारा नहीं कर सकता इसके साथ। लगता है तुम दोनों मुझसे बहुत बेजार हो गए हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी जान, कहीं चली ना जाए। बस पेट फट जाएगा मेरा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। तुम इसे झूठ बोलते हो, ऑफिस में अपना लंच बांट देते हो और आके मुझसे झूठी तारीफें करते हो। आप भी मिशेल की बातों में आ गई। आपको पता है खुद कितनी झूठ बोलती है? मुझसे झूठ नहीं बोलती वो। आप कैसी अम्मा है? एक पराई लड़की की बात मान ली अपने बेटे की नहीं। सारी दुनिया को घुमा सकते हो तुम अपनी बातों में, मुझे नहीं। आइंदा मैं तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें खुद लंच करवाया करूं। मतलब के आप चाहती हैं कि मेरा ऑफिस में भी वही रिकॉर्ड लगे जो स्कूल में लगता था? सुधरोगे नहीं तो यही होगा तुम्हारे साथ। अम्मा अम्मा वाकई में बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन काम की नोयत ही ऐसी है, मीटिंग पे मीटिंग। क्यों हलकान कर रहे हो खुद को? और क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ तो है। मुझे सिर्फ आपकी आंखों में वो खुशी चाहिए जो मेरी कामयाबी देखकर आंसू बनकर टपकती है। फिर बातों में घुमा रहे हो मुझे। मेरी खुशी अगर तुम्हें अजीज होती ना तो घर में इतना सन्नाटा ना होता, तुम्हारे बच्चों की आवाजें आ रही होती। सर तो मैंने कब इनकार किया? टालना इनकार करने से ज्यादा बुरा है। अम्मा मुझे तो लड़कियां समझ में नहीं आती, सब एक जैसी लगती हैं। ये नहीं हो सकता। हर मर्द के अंदर एक औरत छुपी हुई होती है और हर औरत के अंदर एक मर्द। अपने अंदर झांक के देखो, कोई ना कोई सूरत जरूर नजर आ जाए। मोहब्बत अजनबी जज्बा नहीं कोई जिसे समझ पाओ। मुझे घुंघरू चाहिए। अब ये कौन सा नया दौरा पड़ गया है तुम्हें? तुमने क्या रोजी को नाच के मनाना है? रोजी तो स्वीट है यार, वो तो बातों में मान जाएगी। वो घुंघरू मामा के लिए चाहिए, इंग्लैंड भिजवाने हैं। अभी मेल आई है उनकी। माँ के लिए चाहिए? उन्होंने घुंघरू क्या करने? बहुत फारिग हो गई है लगता है। देखो ये उसी कॉस्मेटिक वाले का कार्ड है। फाड़ मत देना, काम आएगा। तुम घुंघरू को बताओ। घुंघरू यार कहां से मिलेंगे? जब मेरी इंडिया की फ्लाइट होगी ना तो वहां से ले आऊंगी तुम्हारे लिए। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। लगता है तुम कुछ सोच रही हो उसके बारे में। तुम्हारे बाद दो चार दिन बोरियत में गुजरेंगे। सोच रही हूँ कुछ एक्टिविटी कर लूं। सच यार, कसम से लाइफ बन जाएगी तुम्हारी। और ट्रैवलिंग का शौक मुफ्त में पूरा होगा। इतने पैसे मिलते इतने, और फेम अलग से। मेरा भी चांस बन जाएगा और मेरी भी किसी टाइकून से शादी हो जाएगी। क्यों?
हाय। हेलो। कैसी थी तुम्हारी डेट कल? ओह एक्सेलेंट। कौन थी? थी नहीं, था। था? क्या मतलब है ज़ैन? ओ आई सी, इसलिए तुम शादी नहीं कर रहे? गॉड सेक कॉफी बीन, कोई किसी के करीब से भी गुजर जाए ना तुम उसका स्कैंडल बना देती हो। टीपू था यार, टीपू। ज़ैन मुझे एक बात नहीं समझ में आती, एक इतना बेवकूफ आदमी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तुम अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब करके उससे मिलने जाते हो। जब इंसान खुद डिस्टर्ब हो जाए ना तो उसे अपना स्केड्यूल डिस्टर्ब कर देना चाहिए। जब ये कॉफी सर्कल में घूमते घूमते मैं थक जाता ना तो वो बेवकूफ आदमी वो मुझे फ्रेश करता है। तुम एक ना समझ में आने वाली चीज हो ज़ैन, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, कभी कुछ तो कभी कुछ। वैसे यार कल के बाद मुझे भी लगता है मैं कभी कभी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो जाता हूँ, ऐसी चीजें कर बैठता हूँ जो कि मैंने कभी सोची भी नहीं थी मैं कर। किसी को हर्ट कर दिया तुमने फिर से? हर्ट नहीं, एडमायर किया किसी को। तो करना नहीं चाहिए था मुझे, पता नहीं किस किस ट्रांस में था मैं। उसका रिएक्शन बिल्कुल ठीक था, मैं जो कुछ कर रहा था मुझे सूट नहीं करता। पता नहीं सोच रही होगी कोई बहुत ही कोई चीप पिकअप लाइन मारी है मैंने। वैसे वो आम सी लड़की नहीं थी जो मेरी उस सजेशन से एक्साइट हो जाएगी उसे। ओह यानी कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ सीरियस हुआ है, बताओ तो सही मुझे। छोड़ो यार कोई और बात करो। कम ऑन ज़ैन, मुझसे क्या छुपा रहे हो बताओ। अरे यार पहले इसको तो चुप कराओ, कह दो मैं किसी मीटिंग में। नहीं पहले मुझे ये बताओ हुआ क्या है? आज पहली बार तुम्हारा गुरूर पाश पाश होते देख रही हूँ। अरे इसे तो चुप कराओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ैन साहब इस वक्त मीटिंग में हैं, आप अपना नाम बता दें, वो जब फारिग होंगे मैं उनसे कह दूंगी आपको फोन कर दे। हेलो हेलो कौन था? था नहीं थी, वो ही कहानी जिसके पीछे तुम परेशान हो। क्या मतलब? ज़ैन तुम किसी लड़की की मिन्नत करके आए हो मॉडलिंग के लिए किसी रेस्टोरेंट में, ऐसा कह रही थी? तुम मुझे पहले बताओ हुआ क्या है फिर मैं बताऊंगी ये क्या बोल रही थी। हेलो जी आप कौन? जी नहीं डॉक्टर साहिबा सो रही हैं, कोई इमरजेंसी तो नहीं? ओके मैं दे दूंगी आपका मैसेज। ओके बाय। यार इस किचन में कोई इंसानों का खाने की चीज नहीं मिलती। तो आप हैं ज़ैन रहमान, सच अ बिग सरप्राइज। आप क्या भेजते हैं? हेलो हेलो ज़ैन रहमान। जी ज़ैन, ज़ैन रहमान। जी फरमाइए। अरे आज तो आप बड़े रूड लग रहे हैं। कैसे फोन किया? आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया था। फाड़ के फेंक दो उसे। अरे मैं तो आपसे हामखा में इंप्रेस हुई हूँ, मैं तो समझी आप कितने प्रोफेशनल कितने वर्कहॉलिक हैं। आप हर वक्त अपने काम के बारे में सोचते हैं। एनीवे, आपने कहा कि आपका कार्ड फाड़कर फेंक दो, इसका मतलब है कि आप अपनी ऑफर वापस ले रहे हैं। तो ठीक है फाड़ देती हूँ।
लेकिन मिस्टर जैन रहमान, आप इस तरह का मजाक मत किया करें लोगों के साथ। ये चीटिंग है, ये फ्लर्ट है। एक मिनट, मैं एटलीस्ट नो योर नेम। गुलबाग, डॉक्टर गुलबाग। आप डॉक्टर हैं? लगती नहीं हूँ ना, मेरे पेशेंट्स भी यही कहते हैं। उम्र की बड़ी चोर हूँ मैं। I guess you're a psychiatrist. No, I am a surgeon. चीट फाड़ का काम करती हूँ मैं। बहुत अलग है आपकी पर्सनालिटी से जो कुछ आप करती हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अलग है जो कुछ आप करते हैं। अच्छा, मैं क्या लगता हूँ? सर्जन जिसको चीर फाड़ करनी चाहिए। Really? नताशा, मैं आपको कॉल करती हूँ। मेरा कोई पेशेंट आया। नताशा, नताशा, मेरा फोन कहाँ है यार? मुझे क्या पता यार, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ। कॉल तो करो जरा फोन पर। मेरा फोन अंदर से ले आओ ना। अच्छा, must check on this new talent. Absolutely new faces, boss. Most of them are college going girls. इन सब की सारी photography भी नहीं, बल्कि हमने auditions भी कर लिए। जिनको आप okay करते जाएंगे, उनके हम grooming start कर देंगे। क्यों boss? क्या ख्याल है? सलमान मैं model find कर चुका हूँ। तुम जाकर अपनी shoot line up करो। ये तुम हो जैन रहमान? शायद क्या लगकर भूल गई है। तुम तो ऐसे नहीं थे, लड़कियां तो तुम्हारा नंबर मिला मिला के थक जाती थी। आज तुम किसी का नंबर डायल करते करते थक गए? प्लीज यार, दिस इज पार्ट ऑफ माय जॉब। नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तुम कोई कोऑर्डिनेटर नहीं हो जैन। मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। काम? जैन ये काम नहीं है, ये तुम झक मार रहे हो। तुमने किसी टोटली नॉन प्रोफेशनल और एक अनरिलायबल लड़की के साथ शूट प्लान कर लिया और उसने तुम्हें कंफर्म भी नहीं किया। जैन, ये काम नहीं, ये अयाशी है। हाँ जैन, तुम किसी लड़की को एड के लिए नहीं ढूंढ रहे, अपने लिए ढूंढ रहे हो। Thank you.
अरे जैन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, तुम लोग कैसे हो? बस जैन भाई ठीक ठाक। आज कैसे हम गरीबों को याद कर दिया? क्या बात कर रहे हो यार, लास्ट संडे को तो आया था तुम्हारे पास। आप तो सिर्फ टीपू के लिए यहाँ पर आते, हमें कहाँ लिफ्ट कराते। चलो इस संडे, प्रॉमिस? पक्का। वैसे टीपू है किधर? चले मैं फोन करता हूँ। नहीं मैंने फोन किया था उसको लेकिन फोन उठा नहीं रहा, बंद मिला। जो अभी बात करनी है जल्दी बात कर, जरा ज्यादा यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है, कभी भी छापा पड़ सकता है। तो मेरे लिए क्या कर सकते? अब तो मुझे ये ना कहीं कि जुआ छोड़ दे। यार मेरे पास है क्या जुए में झोंकने के लिए? 1500 दिल पिशौरी कर ले तो और क्या है? कोई और बात है। देख तेरे लिए मैं सब कुछ दे सकता हूँ सवाई जान के, जान मुझे सिर्फ एक लड़की के लिए देनी है। एक लड़की ने मेरी जान ले ली, जलील करके रख दिया। जनाब कब से मर्दों में शामिल होने लग गए? ये बात नहीं है, आपकी और बात है। तो वन साइडेड? तू डिटेल्स छोड़, ये नंबर है उसका, फोन नहीं उठा रही है। लगता है तुमने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहां से लगता है तुम्हें? तुम जब इन मकोड़ों की बेबसी पर मुस्कुराती हो इसका मतलब है तुम कुछ सोच रही हो। तुम आज जल्दी आ गई। मैंने सोचा तुम जा रही हो तो क्यों ना इकट्ठे डिनर कर ले। ये फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती तुम्हारे साथ रोज, तुम सड़ी अलसी अच्छी लगती हो। खुद पकाकर खिलाऊंगी। आलू मटर? जी हाँ। शावर लेकर आती हूँ फिर इकट्ठे मटर झीलते हैं, तुम तब तक प्लीज हाथ धो लेना। ओके। अपने मोबाइल से लेकर खाला गुलबदन के मोबाइल तक मैंने मोहल्ले के हर फोन से ट्राई किया यार, कोई नहीं अटेंड कर रहा हूँ। क्या हो इसको यार, क्या हुआ, मर गई है वो? मर गई होती तो कोई ना कोई वारिस तो अटेंड करता ना। टोपी करा गई है मेरी जान। क्यों यार मैंने ऐसी बेवकूफ हरकत क्यों की है, क्यों ट्रस्ट किया मैंने ऐसी लड़की? यार तो मुझे पूरी बात क्यों नहीं सुना रहा, पूरी स्टोरी तो सुनाना यार। तुझे याद है उस दिन रेस्टोरेंट में वो लड़की जिसके पास मैं उतर गया था? ये सारा तगड़म उसके लिए कर रहा है? ऐसी बात नहीं है यार। यार देख मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो लड़की इसी तरह की है, पर टोपी करा देगी यार। वो शौकीन टाइप लड़की है, उसको सिर्फ खाने का शौक है यार, वो ऐसी चली जाएगी। फोन आ रहा है, शायद उसका ही फोन। हेलो, आप कहाँ थी इतने दिनों, मैंने आपको हजारों फोन किए। I'm sorry, आज बहुत लंबी लिस्ट थी ऑपरेशंस की। लगता है आपसे मिलने के लिए मुझे भी पेशेंट बनना पड़ेगा। एक सर्जन अपने पेशेंट्स के साथ क्या सलूक करते हैं जानते हैं आप? उससे बुरा सलूक मेरी कंपनी मुझसे करने वाली है। अरे क्यों? आपकी वजह से। मैंने क्या बिगाड़ा है आपकी कंपनी का? बिगाड़ा नहीं लेकिन बिगड़ जाएगा, मैंने आपसे पूछे बगैर आपको फाइनल कर दिया। अब नेक्स्ट वीक से आपकी शूट स्टार्ट। अगर मैं इनकार कर दूं तो? नहीं डॉक्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। उफ,
इतना फिल्मी डायलॉग बोला आपने। I'm serious. मेरी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। ये तो जबरदस्ती है जैन साहब। क्या मतलब है आपका? आज आप एक अलग बात कर रही हैं। मैंने ये कहा था कि मैं सोचती हूँ। सोचने का ऑप्शन नहीं है, मैं आपको डन कर चुका हूँ। आपको मुझसे पूछना चाहिए था। आई थॉट कि आपने सोचकर ही फोन किया मुझे। आप कल कुछ और सोचेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, आप प्लीज इसे फाइनलाइज कर। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके ठीक है, अब तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अब क्या करना होगा? सारी बातें हम फोन पर ही करेंगे। ठीक है, मिल भी लेते हैं। ग्रेट, आप कल आ सकती हैं? कहाँ? मेरे ऑफिस। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, आई मीन अग्रीमेंट वगैरह। अच्छा, तो हाथ पांव बांधने का प्रोग्राम है आपका? हाथ पांव तो मेरे बन गए डॉक्टर बॉस। अच्छा really? कुछ दिन बंदे ही रहने देना इन्हें। आप कल आ रही हैं मेरे पास? नहीं जी, आप कल आ रहे हैं मेरे पास। कहाँ? बताती हूँ।